DPS तबीजी अजमेर, जहां अकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो, कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। कमेटी के कार्यों की समीक्षा की जाए तो सब में अव्वल ये कमेटी निकलेगी जो के भ्रष्ट कार्य करने, न्यायालय के द्वारा फैसले होते हैं, हाई कोर्ट तक के फैसले होते हैं, उस पर उसके बाद में अमल नहीं करते। ये जांच के, ये जितने भी ऐसे केसेस हुए उनकी लिस्ट बनाकर जांच होनी चाहिए। ईडी को भी इसके अंदर आना चाहिए। इसमें कई बाहर का पैसा भी ये ला रहे हैं, कभी पैसा जायरीनों से मांगते हैं कि लेट्रिन बाथरूम की सुविधा के लिए आदमी दिल खोल के देता है पैसा, और उसके बाद उस जगह को ये जो है या तो किराए पे दे देते हैं या किसी से उन्हें पौने पैसे लेके दे देते हैं। कोर्ट केसेस लड़ दें, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक के केसेस की लिस्ट मांगोगे आप तो कई बार जीतने के बाद भी और वापस से सरेंडर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या राज क्या है? भैया आप कह रहे हो ईडी की बात कर रहे हो, तो क्या आपको क्या पता है कि भाई कहाँ का कौन कौन से, यहाँ तो सब तरह का आदमी आता है, इंटरनेशनल आदमी आता है, पता चलेगा जब जांच होगी तो पता चलेगा ना। और जो मेंबर आते हैं जब क्या होते हैं और अब क्या कर रहे हैं? इन्होंने जनता की सुविधा के लिए आए, इस स्थान की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आज तक देखो आप, ये कमेटी गठित हुई है तब से आज तक एक्ट के अंदर है, एक्ट के विपरीत कार्य कर रहे हैं। एक्ट में है मार्च के अंदर बजट होगा, आज ये मार्च के अंदर मीटिंग हो रही है, बजट नहीं है। इसके पीछे राज क्या है? दरगाह के नाम पर भी पैसा उठा रहे हैं? हाँ, दरगाह के पैसा आ ही रहा है, दरगाह के नाम पे दरगाह कमेटी को पैसा मिल रहा है, खूब पैसा दे रहे हैं या जमा करते हैं। मेंबर लोग जाते हैं टूर पे, मेंबरों को कहीं टूर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई लॉ में नहीं है, एक्ट में नहीं है। सिर्फ ये प्लान बना सकते हैं मीटिंग करके जो भी है व्यवस्था देने की, तो ये थोड़ी कि एग्जीक्यूटिव करने निकल जाते, एग्जीक्यूटिव करने निकले इसका मतलब लेन देन हो रहा है। आप ये बताइए कि मौजूदा मेंबर इनमें से कहाँ कहाँ कौन लोग हैं टूर पे गए? अब मौजूदा मेंबरों में से दो तीन जन गए, आपके पहले अमीन पठान फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो गया है, आपके ये गया है बाबर अशरफ गया है, तुम्हारे ये मुनव्वर गया है वाइस प्रेसिडेंट, और सब जगह जा रहे, बाहर जाके जा रहे थे कराना या वहाँ से पैसा लाना, ये इसके इन्हें कहीं एक्ट में अलाउ नहीं है किसी को भी। आप तो खुद एक पूर्व मैं तो कमी है, भयंकर कमी है यहाँ तक, यहाँ का लेट्रिन बाथरूम का पैसा खा रहे हैं। और अगर कोई दरगाह में व्यवस्था करता है तो अगर जायरीन की सुविधा में व्यवस्था हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या उसको और ये नेगलेक्ट करते हैं? आज किन की ओर से ज्ञापन दिया गया और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? नोटिस में है आपके ये काजी मनोहर साहब हैं, आपके हमारे ये अंजुमन शेर दादान के, मेरा नाम सैयद अब्दुल बारी चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट दरगाह कमेटी अजमेर।